नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस टेक इनसाइडर यूट्यूब चैनल पर। आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे DRDO यानी कि भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा बनाया गया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSM वेपन सिस्टम के बारे में। DRDO इसे लैंड फोर्सेस 2024 इंटरनेशनल लैंड डिफेंस एग्जीबिशन में दिखाने जा रहा है, जो 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच मेलबर्न कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक बहुत ही आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सॉल्यूशन है, जो युद्ध के मैदान में हवा से होने वाले हमलों से सुरक्षा देता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह चलते हुए दुश्मन को ढूंढ सकता है, उसका पीछा कर सकता है और रुकते ही उस पर हमला कर सकता है। इस तरह यह सिस्टम हमेशा तैयार रहता है, जिससे इसकी ताकत और बियाज जाती है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है और यह भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करता है। अप्रैल 2024 में इस सिस्टम ने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और सेना द्वारा बताए गए कुछ बदलावों के बाद इसके और परीक्षण किए जाएंगे। लैंड फोर्सेस 2024 में DRDO का भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण है, जहां क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। यह न केवल भारत की खुद की रक्षा तकनीक को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे निर्यात के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए ऑपरेशनल रेडीनेस बहुत जरूरी होती है। इससे पता चलता है कि सभी उपकरण सही से काम कर रहे हैं और तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। इसके लिए नियमित रखरखाव, समय समय पर सिस्टम चेक और कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। हर समय तैयार रहना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी रक्षा तकनीक को विश्वसनीय बनाने के लिए उसकी मारक क्षमता और परीक्षण बहुत जरूरी है। कई तरह के परीक्षणों से हम अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम अपेक्षा के अनुरूप काम करे। इससे हमें सिस्टम में किसी भी प्रकार की खराबी का पता चलता है और हम उसमें सुधार कर सकते हैं। परीक्षण रेंज एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं, जहां इन प्रणालियों की क्षमताओं का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO लैंड फोर्सेस 2024 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका भाग लेना रक्षा तकनीक में नए आविष्कारों को दर्शाता है और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को उजागर करता है। यह आयोजन नई प्रणालियों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करने का एक अवसर है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने का एक मंच है। अंत में, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए रक्षा तकनीक का लगातार विकास बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशनल रेडीनेस सुनिश्चित करने से लेकर कठोर परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक हर कदम महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, नवाचार और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता हमारे प्रयासों में सबसे आगे रहेगी। रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।